शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आप, मैं जानता हूं, इंतजार में है कविताओं के, शायरी के, मुस्कुराहट के, तबस्सुम के, हंसी के और लबों पे उस आनंद के जो जीवन में वैसे नहीं मिलता, पैदा नहीं होता। दिन भर की थकावट, दिन भर के तनाव, दिन भर का स्ट्रेस, दिन भर की मुश्किलात के बाद अगर कोई एक राहत का क्षण है तो यही है। रात 10 बजे शिमारू टीवी पे आप सारा देश मेरे साथ मिलकर कहता है वाह भाई वाह। जिंदगी में सब कुछ इतना सीधा सीधा हो जाए तो कितना बढ़िया, सारी चीजें इतनी स्ट्रेट हो जाए, सीधी हो जाए, उन चीजों का कोई और अर्थ ना हो तो कितना अच्छा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोग कहते कुछ है, उनका अर्थ कुछ और होता है। जो कहना चाहते हैं वो कहते नहीं, जो कहते हैं वो कह नहीं पाते, जो कह पाते हैं वो समझ में नहीं आता, जो समझ में आ जाता है वो क्या का पता नहीं चलता, जो बोल रहा है उसे खुद नहीं मालूम वो क्या बोल रहा है, और जो बोल रहा है उसे ये भी नहीं पता कि वो क्यों बोल रहा है, और जब बोल रहा है तो ये कहता है कि आखिर तू क्यों बोल रहा है। उनमें से कई दूसरे अर्थ निकल जाते हैं, सवाल सीधे सीधे होते हैं, जवाब आदमी क्या एक्सपेक्ट करता है, अपेक्षा करता है और कुछ और ही निकलता है। जैसे एक साहब से किसी ने सवाल किया, बताइए। अच्छा, जो सवाल करने वाले होते हैं वो इतना ड्रामेटिक हो जाते हैं, बताइए। उसे पूरा ड्रामेटिक अंदाज में कहा, बताइए, अगर जंगल में आपकी सास और आपकी पत्नी दोनों जा रही हो और शेर उस पर हमला कर दे तो आप किसे बचाएंगे? सवाल। हाँ, सास को बचाएंगे या पत्नी को बचाएंगे? यकीनन शेर को बचाएंगे, बचे ही कितने हैं। हम एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे होते, सवाल जवाब कुछ और निकलता। जैसे एक आदमी एटीएम के बाहर पैसे गार्ड के पास गया, पैसे निकाल लो क्या? हाँ निकाल ले, पेचकस देना। एक उकताया हुआ पति घर में बैठा हुआ था और पत्नी आई, सुन ना आज हॉरर फिल्म देखे? बोले तो सीधा बोलना, तू मेरे को क्यों डरा रही है? नहीं, हॉरर फिल्म का शौक है मुझे। बताओ ना कौन सी देखे? शादी की डीवीडी ले आप, उससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। जीवन में लोग बोले कुछ, निकले कुछ, अच्छा कई बार समझ में भी नहीं आता क्या करना। मेरे साथ हुआ, एक बिल्कुल नवयुवती एकदम सर्दी में ठिठुरती हुई जाती एकदम से, कम कम कपड़े पहन रखे, ठिठुरती हुई जा रही थी। मैंने कंबल दे दिया, भाई साहब गरीब नहीं हूं, शादी में जा रही हूं। समझ में आया, शादी में लड़कियां तैयार होकर जाती है, ठंड क्यों नहीं लगती? हमें तो लगता है ऊपर रजाई भी पहन ले कोट वोट के ऊपर, ये बिल्कुल इन्हें ठंडी नहीं लगती, समझ में नहीं आता। तो हो सकता है इनके पास कुछ अतिरिक्त इलाज हो ताकि ये बता सकें कि ऐसा क्या है जिससे गर्मी वाले वस्त्र न पहन के भी ठंड न लगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके पास कुछ ना कुछ इलाज जरूर होता है। जैसे हमारे समाज में ऐसे लोग बहुत घूमते हैं जिनके पास बहुत इलाज होता है। आप कहीं भी चल जाओ, मेरे घुटने में दर्द है, एक काम करो, हल्दी लो, नमक लो, काली मिर्ची कूटो और फिर एलोवेरा में घोल के पट्टा बांध लो। हर आदमी, आप जिस रिक्शे में डॉक्टर के वहां जा रहे होंगे और रिक्शे वाला पूछे कैसे जा रहे हैं डॉक्टर साहब के पास, साहब हम तो जरा पेट में दर्द है। अरे कहां पेट में, पैसा खराब कर रहे हैं, पुदीना है घर में? पुदीना लो, अदरक लो, जीरा लो। वो रिक्शा चलाने का काम नहीं कर रहा है, आपको इलाज बता रहा है। हिंदुस्तान में इलाज बताने की परंपरा बड़ी पुरानी है, लेकिन हर चीज का इलाज हंसी है। जीवन में अगर आप खुश रहेंगे, हंसेंगे, तो फिर किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। इलाज हमारे पास है, ये वो लोग हैं जो आपको हंसाते हैं और आपके चेहरों में मुस्कान लेके आते हैं। आइए इनसे परिचय करते हैं। इनमें से दो ऐसे हैं जो हमारे बीच पहले आ चुके हैं और आपका दिलों के दरवाजे पे अपनी दस्तक देके आपके दिलों में घर बना चुके हैं। उनमें से एक है मास्टर महेंद्र झज्जर हरियाणा से। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हमारे सेट पे आज ब्लोअर तेज चल रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि एपिसोड के अंत तक आपको कुछ हो जाए। मास्टर महेंद्र झज्जर हरियाणा से, क्या बात है। और इधर है छत्तीसगढ़ के बंशीधर मिश्र जो अकल तरह छत्तीसगढ़ से हमारे बीच में आते हैं। 90s की फिल्मों के विलन टाइप लग रहे हैं मुझे। और इन दोनों के बीच में जो पहली बार टेलीविजन पे आ रही है, और जब पहली बार कोई आता है तो अपने साथ नई ऊर्जा
और नई कविताएं और नया अंदाज लेके आता है, और आपके लिए भी कई सारी बातें ऐसी होती है जो आपको बहुत अच्छी लगती है। पहली बार कोलकाता वेस्ट बंगाल से हमारे बीच में आ रही है उरुसा आरशे। तो अभी क्या करें, मास्टर महेंद्र जोरदार तालियों के साथ। आप सबको प्रणाम करता हूँ, सर्वापना का वे पाठ करता हूँ, चार चार लाइनों से आपको जोड़ता हूँ कि मिलने आई थी मिल मिला के चली गई, मिलने आई थी मिल मिला के चली गई, दिल दुखाने आई थी दुखा के चली गई, चार समोसे लाया था उधार मांग कर, चारों बिना चटनी के खा के चली गई। एक दिन कह रही थी कि आप मुझे पसंद हैं, मैं गीत गजल हूँ आपकी, आप मेरे छंद हैं, फिर रुपये 50,000 ले गई उधारी मांग कर, सुसरी का 3 महीने सा फोन बंद है। बहुत बढ़िया महेंद्र बाबू। चलेश भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये माया ऐसी ही है, आदमी चाहे मंगल को झपट ले चाहे चांद को झपट ले, पर हिम्मत इतनी नहीं अपनी लुगाई से निपट ले। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सर एक बात और बताना चाहता हूँ कि अपनी बेवकूफियों पे ढंग से पर्दे घेरे नहीं है, और मैं समझ गया ठीक लखन तेरे नहीं है, कल गुस्से में आके तू लौटा तो गई जालिम, ध्यान से देख लेती ये प्रेम पत्र मेरे नहीं है। बहुत बढ़िया। नहीं तो ऐसे में लड़कियां क्या करती, बड़ी स्मार्ट हो गई आजकल, वो करती नहीं है, वो जैसे कोई अपने प्रेम पत्र वापस मांग ले ना तो पूरी टोकरी उठा के लाएंगे, अपने छांट लो। बिल्कुल ठीक कह रहे भाई साहब, ऐसा ही होता है कि समझदार हो पहले प्यार में खुली छूट मत दो। बड़े काम की बात। समझदार हो पहले प्यार में खुली छूट मत दो, खुद कंगाल हो जाओ इतनी भी लूट मत दो, प्यार से ज्यादा अपनी जेबें संभाले रखना, नमकीन बिस्कुट तो ठीक है ड्राई फ्रूट मत दो। बहुत बढ़िया। और शैलेश भाई एक टेक्निकल शेयर दे रहा हूँ। टेक्निकल शेयर? हाँ टेक्निकल इसलिए है कि उस पर रिसर्च चल रही है। अच्छा। हाँ के बस एक यही सवाल मेरे जहन में फड़कता रहा, दिल अगर तुमको दिया था तो मेरे सीने में क्या धड़कता रहा। ये राहत साहब का एक शेर मुझे अचानक याद आ गया कि ये उनका और मिश्रा बड़ा कमाल का है कि तुम तो अंदर हो फिर बाहर कौन है। क्या बात है, क्या बढ़िया मिश्रा था कि तुम तो अंदर हो फिर बाहर कौन, फिर बाहर कौन है। कि जब भी उनकी गली से आना जाना हो हम भी नहीं चाहते कि फिर से कोई उलाना हो, जब भी उनकी गली से आना जाना हो हम भी नहीं चाहते कि फिर से कोई उलाना हो, मुंह लटका के चुपचाप ऐसे गुजर जाते हैं जैसे उनका घर नहीं पुलिस का थाना हो। वाह बहुत बढ़िया। मेरी आंखों से गिरता पानी है बस ये मेरी जिंदगानी है, इसका हमने किसी से किया ही नहीं फिर तो मोती अबिंद की निशानी। वाह बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे मास्टर महेंद्र। मास्टर महेंद्र कमाल के हैं, और मुझे पिछले दिनों पता चला कि मास्टर महेंद्र को जैसे ही इनके इलाके में गर्मियों का सीजन शुरू होता है इनके घर वाले पहाड़ पे भेज देते हैं। तो मैंने पूछा परिवार वालों से पहाड़ पे क्यों भेज देते हो, ना पूरी गर्मी नहीं रख सकते, पंखे चलते हैं कूलर चलते हैं, फिर कभी इस दीवार से टकराते हैं कभी उस दीवार से टकराते हैं, तो इससे अच्छा तो इनको पहाड़ों पे भेज दिया जाए। लेकिन पहाड़ों की शीतलता कविता से आती है, पहाड़ों में जो गंध फैली होती है वो कविताओं से आती है, और पहाड़ों में जाके खुशी मिलती है, और ठीक वैसे ही कविताएं सुन के खुशी मिलती है। एक छत्तीसगढ़ प्रदेश से आया जिसे हम धान का कटोरा कहते हैं, उस प्रदेश से आया कवि जो अकलतरा कस्बे से आया है, उसका नाम है बंसीधर मिश्र। जोरदार तालियों से स्वागत करें। वाह भाई वाह के इस मंच को प्रणाम करता हूँ। मोबाइल का जमाना है, वातावरण मोबाइल से प्रभावित है,
और कवि भी वातावरण से प्रभावित होकर कविता लिखता है। बिल्कुल। मैं पहले जमाने का टेलीफोन लैंडलाइन वाला और पहले जमाने की पत्नी और आज की पत्नी और आज के मोबाइल, इसकी तुलना करते हुए एक रचना आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। अरे वाह, क्या बढ़िया विषय है भाई, बहुत अच्छे। देखिएगा तुलना, पत्नी क्या है? मत पूछो, किसी से मत पूछो। बता रहा हूं भैया, तू ऐसा म्यूजिक बना के और ऐसी तैसी कर दे हमारी। बताओ क्या है पत्नी? क्या है? लाइफ टाइम रिचार्ज मुसीबत है। पत्नी क्या है? लाइफ टाइम रिचार्ज मुसीबत है। जब मोबाइल टूटेगा तभी इससे पीछा छूटेगा। जब मोबाइल टूटेगा तभी इससे पीछा छूटेगा। विवाह के बंधन में जब दोनों हुए रिचार्ज, घर गृहस्थी का नेटवर्क हुआ स्टार्ट। ज्यादा बच्चे हो गए तो अनलिमिटेड रिम टू रिम, जुड़वा हो गया तो डबल सिम। ज्यादा बच्चे हो गए तो अनलिमिटेड रिम टू रिम, जुड़वा हो गया तो डबल सिम, कुछ नहीं हुआ तो नेटवर्क प्रॉब्लम। कुछ नहीं हुआ तो नेटवर्क प्रॉब्लम, ज्यादा का बैलेंस और टॉक टाइम कम। शादी करूंगी इस बात को लेके कई लोगों के मन में दुविधा है, सही मॉडल मिल गई तब तो ठीक, वरना पोर्ट बीटी कहां सुविधा है। पहले की फोन और पत्नी, आज की पत्नी मोबाइल, दोनों में अंतर आ गया है। पहले की पत्नी मैंने लैंडलाइन फोन, पहले की पत्नी मैंने लैंडलाइन फोन, घर के कोने में बैठे रहती थी चुपचाप मौन, जब कॉल आए तभी रिंगटोन बाजे। बच्चे बूढ़े सबकी सेवा करे सबको साजे। लेकिन आज की पत्नी पर्सनल हैंडसेट, आज की पत्नी पर्सनल हैंडसेट, मेकअप मेनी टाइम अप टू डेट, दिखने में सुंदर रंग बिरंगी स्टाइल, लेकिन गारंटी में चाइना मोबाइल। आज की पत्नी पर्सनल हैंडसेट, मेकअप में एनी टाइम अप टू डेट, दिखने में सुंदर रंग बिरंगी स्टाइल, लेकिन गारंटी में चाइना मोबाइल, चली तो चली नहीं तो पैसा डूब गया। आधा घंटा काम की सॉफ्टवेयर उड़ गया। आधा घंटा काम की फिर सॉफ्टवेयर उड़ गया, फिर खा पी के मोहल्ला में गप मारने मस्त, और जब बुलाओ तो कहती है इस रूट की सभी लाइनें हैं। बहुत बढ़िया बच्ची, बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। छत्तीसगढ़ के कांचा चीना, क्या तूने दिल है छीना सबका, वाह वाह मोबाइल। और ये बात की लैंडलाइन फोन की, वो कमाल था। इस पीढ़ी ने नहीं देखा होगा वो दौर, चूंकि मैं तब छोटा था मैंने देखा है। उस जमाने में एक धीरे धीरे हमने तरक्की की, पहले जमाने में फोन होता था तो आप डायल भी नहीं कर सकते थे, आपको फोन उठाते थे आप तो टेलीफोन एक्सचेंज में जो ऑपरेटर था वो बोलता था नंबर प्लीज, तो आप नंबर बताते थे मुझसे कि 248 लगा दो, तो वो 248 लगाता था और उसकी मर्जी हो तो बात आपकी छोड़े नहीं तो पूरी ऑपरेटर को सुनाई बात देती थी। उसके बाद जमाना आया डायल करने वाला, जब लड़के लड़कियों को एक घंटी देखे और कुछ न बोल के फोन रख देते थे। ये जमाना भी काफी रहा है ना, घंटी बजी रात को 2 बजे, हेलो हेलो, और वहां से सिर्फ खामोशी, तब दोनों को ही समझ में आता था कि कौन बोल रहा है। उस जमाने को याद करता हूं, तब ट्रंक कॉल बुकिंग हुआ करती थी, 180 एक नंबर हुआ करता था और 180 आप ट्रंक कॉल बुकिंग के लिए होता था, 180 लगाते थे और कहते थे भाई दूसरे शहर में हमें इससे बात करनी है। तो एक साहब थे, उन्होंने किसी से उधार ले रखे थे और अब उन्होंने उसे फोन किया पैसे वापस मांगने के लिए, ट्रंक कॉल बुक कराया, तो ऑपरेटर ने पूछा नंबर, तो उसने बताया दूसरे शहर में नंबर। अब उसने फोन उठाया, अब इधर से ये साहब, हेलो, हाँ हेलो, और मेरे तो 10,000 वापस कब देगा क्या, मेरे 10,000 वापस कब देगा क्या, मेरे 10,000 वापस कब देगा, सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलो, मेरे 10,000 वापस कब देगा, अरे नहीं सुनाई दे रहा है। तो बीच में ऑपरेटर बोला भाई साहब साफ साफ बोल रहा है उसके 10,000 वापस कब दोगे, तुझे सुनाई दे रहा है तू दे दे। तो जीवन में सुनना सुनाना बड़ा काम का है, और आज हम पहली बार प्रस्तुत करने जा रहे हैं, वो टेलीविजन पे पहली बार आ रही है, आपसे विशेष आग्रह, उन्हें विशेष स्नेह दीजिए, और बहुत दूर कोलकाता से हमारे बीच में आई है, पश्चिम बंगाल से, वहां की उरुसा अर्शी, अपने गीत और गजलों के साथ जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं उरुसा अर्शी।
बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने जहाँ से बात ख़त्म की मैं वहीं से शुरू करती हूँ, फ़ोन से आपने ख़त्म की थी कि बहुत अजीब से हालात बनने लगते हैं, बहुत अजीब से हालात बनने लगते हैं, मरज ये इश्क का जब भी किसी को लगता है। ये नेटवर्क इशू है कि खूबी किस्मत, किसी को फोन लगाओ उसी को लगता है। आए, आए, क्या बात है। और दिल में जब मेरी आरजू रखना, मेरी चाहत की आबरू रखना, तेरी आंखें भी मुझको रोएंगी, तेरी आंखें भी मुझको रोएंगी, मेरी तस्वीर रूबरू रखना। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। मोहब्बत जो ये नौजवान पीढ़ी है और जो कैमरे के उस पार लोग बैठे हैं वो भी सुन रहे होंगे, और कितनी बढ़िया बात है कि हम पहली बार जैसे चुन के लेके आए हैं, उसने आपके दिलों पे इस तरह से विजय की पताका फहरा दी। और यही जिंदगी में ज़रूरी है। जब बंसीधर भी पहली बार आए थे कुछ महीनों पहले, उसके बाद छा गए, मास्टर महेंद्र भी कुछ महीनों पहली बार आए थे, और ये तमाम वो लोग हैं जो वाह भाई की खोज, और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि मैं अपना कर्तव्य ठीक ढंग से निभा पा रहा हूँ। तो धड़कनें बेकाबू है, दिल पे नहीं काबू है, क्योंकि जो सर पे छोड़ के बोलेगा वो कविता का जादू है, वो शायरी का जादू है। इसलिए हमेशा कहते रहिए वाह भाई वाह। तैयार भी है कविताएं सुनने के लिए, शायरी सुनने के लिए, और वो सब कुछ करने के लिए जो जिंदगी में खुशी के रंग भरता है। जिंदगी की तस्वीर में जहां हम कुछ मटमैले रंग हो जाते हैं तनाव की वजह से, परेशानियों की वजह से, वहां कविता की जो कूची है, कविता की जो कलम है, वो उसे रंगीन बना देती है। आइए इस कविता की कलम के लिए और कलम की कविता के लिए हम कहें वाह भाई वाह। और जिंदगी में मटमैले रंग तब आते हैं जब बहस हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं। तो एक पति पत्नी में बहस हो रही थी, अब पति बेचारा गम गलत करने के लिए थोड़ा बहुत लिटिल लिटिल, तो बीवी ने कहा तुम्हें ना खर्चे बंद कर दो, ये सब दारू में इतना खर्च करते हो तुम, क्यों क्या जरूरत है इसमें दारू में इतना खर्च करने की? अच्छा क्या जरूरत है और तू जो हर 15 दिन में 5,000 ब्यूटी पार्लर पर लगाती है उसका क्या, तू खर्च नहीं करती, मेरा खर्चा दिख रहा है देखो, 15 दिन में 5,000 रुपए लगाती है। और वो तो मैं इसलिए करती हूँ ना कि ताकि मैं तुम्हें सुंदर दिखूं, मैं भी तो इसीलिए पीता हूँ कि तू मुझे सुंदर दिखे। भाई बातचीत के तरीके बदल जाते हैं ना, अंदाज बदल जाता है। जैसे एक लड़की की शादी होने वाली थी, तो लड़की की माँ लड़के वालों के पास जा रही थी कि भाई हम शादी की बातचीत करने जा रहे हैं, बताओ तुम्हें कुछ कहना है? तो ना हमें तो ज़्यादा कुछ ना कहना, बस इतना कहते ना जो बिस्तर के पास वाला चार्जिंग पॉइंट है वो हमारा होगा। ये बड़ी समस्या है, नहीं इतना कूद के जाके आप उधर करो, इससे अच्छा तो पास में रहे ना। कोई समस्या है तो आदमी पैदा कर देता है। जैसे किसी देश में एक्सीडेंट हो, मतलब दुनिया में कहीं भी एक्सीडेंट हो, जैसे इंग्लैंड में हो, अमेरिका में हो, तो एक्सीडेंट होते हुए लोग क्या बोलेंगे, ओ गॉड, ओ माय गॉड, इट शुड हैव हैपेंड, ओ माय गॉड, सो पैथेटिक, मिडिल ईस्ट में ओ या खुदा क्या हो गया, हिंदुस्तान में और चला तेज आया मजा साले और चला है। हम लोग कमाल के लोग हैं ना। हिंदुस्तान में एक बार महिलाओं का एक समूह था और पुरुषों का दूसरा समूह था, और दोनों से एक बड़ा ही सुप्रसिद्ध वाक्य है जिसका अर्थ पूछा गया। वाक्य है आई लव यू टू। तो महिलाओं से पूछा गया कि आई लव यू टू का अर्थ बताइए, बोले मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। फिर पुरुषों से पूछा गया आई लव यू टू का अर्थ बताइए, बोले मैं तुमसे भी प्यार करता हूं। भाई दिल बड़ा होना चाहिए ना, क्या दिक्कत है? आदमी सारी जिंदगी जो है प्यार तो कई लोगों से कर सकता है, कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कोई जरूरी थोड़ी कि एक ही जगह करे, मतलब एक ही व्यक्ति से करे। प्यार तो बांटने की चीज है, इसे बांटना चाहिए। और ये लोग वही है जो प्यार बांटते हैं, इनका दिल बड़ा बड़ा है, ये अपनी कविताओं से शायरी से प्यार बांटते हैं, सारे देश में छा जाते हैं। ऐसे ही 3 लोग हमारे बीच में हैं, और 3 में से 2 ऐसे हैं जो वाह भाई वाह के मंच में पहले आए, जिन्हें हम ढूंढ के लेके आए और उन्होंने आके कमाल कर दिया, धमाल कर दिया। उनमें से एक होते हैं शाहजहांपुर मध्य प्रदेश के जगदीश गुर्जर,
जो मूलतः गुजरात में रहते हैं और वहां काम कर रहे हैं, और दूसरे महाराष्ट्र मालेगांव के। आज जो है हमारा बड़ा मल्टी कलर्ड जो है एपिसोड है, इसमें तीन लोग हैं, तीनों अलग अलग जगह से हैं और खास तौर पे ऐसी जगह से हैं जहाँ पे हिंदी बहुत प्रमुखता से नहीं बोली जाती। ये गुजरात में रहते हैं, गुजराती बहुत ज़्यादा बोली जाती है, और ये महाराष्ट्र मालेगांव में रहते हैं, वहाँ पे मराठी बोली जाती है। दोनों ही बहुत खूबसूरत भाषाएं हैं और वहाँ ये शायरी करते हैं, ये कविता करते हैं। मुजाबर मालेगांवी है जो मालेगांव से। और जब पहली बार कोई टेलीविजन पर प्रस्तुति होती है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे लगता है मैं अपना कर्तव्य ठीक से निभा रहा हूँ। शेमारू टीवी अपना कर्तव्य ठीक से निभा रहा है, और उसी कड़ी में आज हम तीसरी ये जो बीच में बैठी हुई हैं इन्हें पहली बार प्रस्तुत कर रहे हैं, और ये आई हैं सुदूर हैदराबाद से। और बड़ी कमाल की बात है कि वर्षा शर्मा जो हैदराबाद से हमारे बीच में आई है, सीए फाइनल स्टूडेंट है, और इनके पिता जो हैं वो हरियाणवी हैं, माँ पंजाबी हैं, और ये खुद तेलुगु बोलती हैं और हिंदी में कविताएं करती हैं। क्या बात, ये हमारे देश का रंग, ये राष्ट्रीय एकता है, ये हमारी भाषाएं जो है ये हमें समृद्ध बनाती है। और इन भाषाओं में से निकल के तीन लोग आए, हम आपका स्वागत करते हैं आप तीनों का इस एपिसोड में। और आइए शुरुआत करते हैं महफिल की, और महफिल की शुरुआत के लिए मैं सबसे पहले बुलाना चाहता हूं मुजावर मालेगावी। चमकते चांद तारों सा, चमकते चांद तारों सा, मुकद्दर बन गया होता जो मैं तेरी तरह विवेक नौकर बन गया होता, जो मैं तेरी तरह विवेक नौकर बन गया होता, यकीनन पांच सौ का नोट अगर ससुराल में होता तो चिल्लर बन गया होता, अगर ससुराल में होता तो चिल्लर बन गया होता। मैं खाता हूँ तो खाने में वो मिट्टी डाल देता है, मेरे हर काम में एक शख्स कैंचे डाल देता है, मेरे हर काम में एक शख्स कैंचे डाल देता है, ये सच है। एक नंबर दूध लाता है वो मंडी से, मगर बेगम के डर से उसमें पानी डाल देता है। आइए गोपी जी सुनिएगा। सासु ससुर से मेरा झगड़ा कल भी था और आज भी है, सासु ससुर से मेरा झगड़ा कल भी था और आज भी है। सासु ससुर से मेरा झगड़ा, सासु ससुर से मेरा झगड़ा कल भी था और आज भी है, उनके लिए मैं बलि का बकरा कल भी था उनके लिए मैं बलि का बकरा कल भी था और आज भी है। साठ बरस की तररर, साठ बरस की हो गई बेगम लेकिन उसका क्या करना, साठ बरस की हो गई बेगम लेकिन उसका क्या करना, बीस बरस के जैसा नखरा कल भी था और आज भी है, टूट गया खाने पीने से, टूट गया खाने पीने से लेकिन इतना याद रखो, टूट गया खाने पीने से लेकिन इतना याद रखो, बेटा मेरा लसित मलिंगा कल भी था और आज भी है, अरे बेटा मेरा लसित मलिंगा कल भी था और आज भी है, अरे सूट बूट उसका मत देखो चाल ढाल पे गौर करो, सूट बूट उसका मत देखो चाल ढाल पर गौर करो, मेरी नजर में वो भिक मंगा कल भी कल भी था और आज भी है, कौवे जैसा रंग है मेरा चाल है
कहती गए चाल कटकोड़ा कल भी तावर भाज भी है जो दिखता है वो लिखता हूँ जो दिखता है वो लिखता हूँ जो दिखता है वो लिखता हूँ सुनो सुनो शैलेश मिया जो दिखता है वो लिखता हूँ इसीलिए शैलेश मिया लेताओं से मेरा पंगा कल भी था और आज भी है लेताओं से मेरा पंगा कल भी था और आज भी है क्या बात है अरे वाह 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 बहुत बढ़िया कितने बढ़िया शेर कहे आपने और ये जो रदीफ है कल भी था और आज भी है ये मुझे आकर्षित कर रहा था और मुझे लगा कि इसमें एक शेर जुड़ जाना चाहिए और इसलिए जुड़ जाना चाहिए आपने मजाया अंदाज से कहा मैं थोड़ा संजीदा कहता हूँ कि भले ही अपने तन को कपड़ों से ढक लिया भले ही अपने तन को कपड़ों से ढक लिया वो रूह से आदमी नंगा कल भी था और आज भी है इसलिए जिंदगी में ये जो रूह है ना इसका ढकना बड़ा जरूरी है तन तो ढके ना ढके लेकिन ये रूह है ना ये बड़ी कमाल की चीज है और कविता जो है वो जब तक अंदर रूह नहीं है आत्मा नहीं है तब तक निकलती नहीं है जगदीश गुर्जर जीवन में बड़े निराश थे कि इतने सालों से संघर्ष कर रहे हैं उनको किसी ने मौका नहीं दिया जब वो पहली बार आए तो इस मंच पर रो पड़े थे उनकी आंखों में आंसू थे भरपूर इसलिए कि उन्हें किसी ने सुना और बुलाया और मौका दिया और यही हमारा कर्तव्य है कि जहाँ भी निराशा है और अगर आप अच्छा लिखते हैं तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है आप एक ना एक दिन यहाँ ज़रूर होंगे और अपनी कविताएं ज़रूर सुनाएंगे जगदीश गुर्जर हमारी ऐसी एक खोज और आज एक बार फिर से हमारे बीच में आ रहे हैं जगदीश गुर्जर सबसे पहले आदरणीय शैलेश सर के लिए चार पंक्तियां कहता हूं कि जो किया नहीं किसी ने वो आपने कर दिखाया छोटे छोटे गांव कस्बों से प्रतिभाओं को उठाया इस नेक काम के लिए सादर नमन आपको भटके हुए पथिक को मंजिल तक पहुंचाया अरे। एक दिन मैं जैसे ही ड्यूटी से घर आया मेरी पत्नी ने कुछ नया पहना था मुझे बताया और कहा कि मेरी तारीफ करो कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन है यार ये मुझे बहुत अच्छा लगा कहा कि मेरी तारीफ करो यार ये बहुत बढ़िया जगदीश ये बहुत ही अच्छा है वरना महिलाएं जो है कहती नहीं है बस अलग अंदाज से कहती हैं जब कोई नया पहनती है ना वो चाहती यही है कि आप तारीफ करें लेकिन कहेंगी कैसे ठीक तो लग रहा है ना ये कलर मुझ पर सूट तो करता है ना नहीं कुछ गड़बड़ तो बता दो और बेचारा पति अगर न बोले फिर देखो तुम अगर वो इतना सा कहकर निकले हाँ ठीक है हाँ तुम्हें क्या ठीक है हम कुछ भी पहले तुम्हें तो कुछ अच्छा लगता ही नहीं है ना तैयार होकर इतनी देर से बैठी हुई आएंगे कुछ देखेंगे तुम्हें तो तुम्हारी तो आंखें फूट रही है ना मर गया बेचारा पति लेकिन ये पत्नी बड़ी कमाल की है कि मेरी तारीफ करो बहुत अच्छा तो मैंने तारीफ किस तरह से की कि तारीफ क्या करूं तुम्हारी अपने बोने अल्फाज में सच बोलने की कसम खाकर आया आज मैं तुम चाहे ये पहनो वो पहनो जो भी पहनो डायन ही लगती हो मुझे तो हरली बात हे भगवान एक दिन कहा कि मेरी जुल्फों की तारीफ करो मैंने कहा लहरा के जो जुल्फे जलवे तुम दिखाती हो अरे गिरते हैं सब्जी में बाल क्लिप क्यों नहीं लगाती हो हे पास में बैठा तो बदबू से दिमाग खराब हो गया ये बताओ बालों में कौन सा तेल लगाती हो बोले बहुत कविताएं लिखते हो मुझ पे कुछ लिखो तुम थोड़ी देर पहले वर्षा के पास बैठे हुए थे वहां से प्रेरणा नहीं ली तुमने बोली बहुत कविताएं लिखते हो उस पे भी लिखो मैंने कहा मेरी नस नस में कविता निवास करती है जिंदगी मेरी कविताओं से संवरती है और किस तरह तुझ पे लिखूं मैं कविता कोई तेरी अकल तो हमेशा ही घास चढ़ती है क्या बात है बोली मंचों पे बड़ी बड़ी बातें करते हो घर में छोटी छोटी बात पे लड़ते हो कभी तो बिना बात के ही कर देते हो बबला मैंने कहा बाकी सब ठीक है पर मैं झुकेगा नहीं सर झुकेगा नहीं साला
अरे पिताजी से बोल दूंगी, तुम्हारे सारे राज खोल दूंगी। तुम्हें तो पता है कितना खतरनाक है तुम्हारा साला। मैंने कहा बाकी सब ठीक है, झुकेगा नहीं सुखेगा नहीं साला। वाह, ठीक से पोछा नहीं लगाते हो, बर्तन भी ढंग से साफ नहीं कर पाते हो, रोज कूकर रह जाता है काला। मैंने कहा बाकी सब ठीक है पर मैं झुकेगा नहीं साला। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जगदीश। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि तुम्हें वीरता का जितना भी बड़ा पुरस्कार हो दिलवाए। जो बीवी को ये कह सकते हो कि कौन सा तेल लगाती हो और हर कपड़े में डाय नहीं लगती हो, तुम्हारी अकल घास चरने गई है, झुकेगा नहीं साला। ये जितने हो ना झुकेगा नहीं साला, इनकी जेब से कभी 2000 का नोट गिरा दो तुरंत। इसके लिए नहीं है, खैर जिंदगी में क्योंकि धन की बड़ी महत्ता है और धन चाहिए। आगे हमने सुना मुजावर मालेगावी और जगदीश गुर्जर को, लेकिन जब कोई पहली बार कैमरों के समक्ष आता है तो उसका स्वागत अतिरिक्त होना चाहिए। जब एक गजल मैंने वर्षा की सुनी तो मुझे लगा वर्षा शर्मा को यहाँ होना चाहिए, और उसी कड़ी में हम एक नई प्रतिभा के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं आज वर्षा शर्मा, जो हैदराबाद से हमारे बीच में आई है। जोरदार तालियों के साथ सबसे पहले आदरणीय शैलेश जी लोढ़ा का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इतने सुंदर मंच पर आने का मुझे अवसर दिया, और इतनी प्यारी ऑडियंस के लिए भी बहुत बहुत आभार। तो आदरणीय शैलेश जी, जिंदगी 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 थम जरा जिंदगी, जिंदगी जिंदगी थम जरा जिंदगी, कि बात तुझसे करें हम जरा जिंदगी। वाह 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 वाह, बात तुझसे करें हम जरा जिंदगी, जरा जिंदगी, क्या बात है। जी शुक्रिया। कि अपनी रेशम से जुल्फों से सुलझे हैं हम। अरे बहुत समझ में आ रहा है मुझे भाई आपको यार। मतलब कमाल ही हो गया यार, हैं मिश्रा उधर पूरा, क्या नजाकत है, शेर की नजाकत या शायरा की नजाकत। मतलब वर्षा का आपने क्या देखा है, आपकी तो वाह वाह रुकी नहीं रही है। जब उन्होंने कहा कि मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, वाह वाह वाह, उसमें भी आप वाह वाह करने पे तुले हुए थे। माय फ्रेंड, वक्त निकल चुका है। डेफिनेटली वक्त निकल चुका है, कोई और बाजी मार ले जा चुका है। अब लो कर लो कुछ, देखो अब करो वाह वाह, उदास कर दिया आपने कह के कोई और माजी मार जो उसमें गया, वो काम से गया, अब वो यहाँ है ही नहीं। अब वो कह रहे हैं जिंदगी जिंदगी मर गया जिंदगी। सुना जिंदगी जिंदगी, अपनी रेशम से जुल्फों से सुलझे हैं हम, अपने सीधे तो कर थम जरा जिंदगी। आए हाय आए हाय आए हाय, जिंदगी जिंदगी थम जरा जिंदगी, प्यास अपनी बढ़ाने के शौकीन हम, प्यास अपनी बढ़ाने के शौकीन हम, प्यास अपनी बढ़ाने के शौकीन हम, तू बुझाने का रख दम जरा जिंदगी। हाय हाय हाय, तू बुझाने का रख दम जरा जिंदगी, कि ये जिंदगी जिंदगी थम जरा जिंदगी। मैं गिलहरी तो तितली के जैसी उड़े, मैं गिलहरी तो तितली के जैसी उड़े, अपनी रफ्तार रख कम जरा जिंदगी। कि अपनी रफ्तार रख कम जरा जिंदगी, जिंदगी जिंदगी थम जरा जिंदगी। लग गई है मोहब्बत की हमको दवा, लग गई है मोहब्बत की हमको दवा, देना अब सोच कर गम जरा जिंदगी, देना अब सोच कर गम जरा जिंदगी, जिंदगी जिंदगी थम जरा जिंदगी। पिघले सोने सा बहना बहुत हो गया कि पिघले सोने सा बहना बहुत हो गया, खान में ही रेसा जम जरा जिंदगी, खान में ही
मेरे सा जम जरा जिंदगी और जिंदगी जिंदगी थम जरा जिंदगी की बात तुझ से करें हम जरा जिंदगी। बहुत बढ़िया बच्चे, क्या बात, वाह। जिंदगी जिंदगी थम जरा जिंदगी, बात तुझसे करें हम जरा जिंदगी। इसमें एक मिसरा था वो हमारे काम का था, जिंदगी जिंदगी थम जरा जिंदगी, बात तुझसे करें हम जरा जिंदगी, प्यास अपनी बढ़ाने के शौकीन हम, पानी ना हो तो दे रम जरा जिंदगी, लेकिन दे दे, ये जिंदगी में बड़ा जरूरी है। वर्षा है हम बसेंगे बरसेंगे छमाछम, तू कर लेना अपने शौक पूरे जिंदगी। वाह 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 वाह, अगर यही काफी में होता तो ठीक लगता। आपके जैसे तुरता फुर्ती हमसे होती नहीं है सर, आप तो मास्टर हो एकदम। क्या किया जाए, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, खुदा ने बनाया ही ऐसा है। लेकिन कोई बात नहीं, आपने बहुत बढ़िया पढ़ा, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा, और जिंदगी जिंदगी थम जरा जिंदगी बहुत बड़ा, ये मिसरा बड़ा कमाल का है, बात तुझसे करें हम जरा जिंदगी। अगर आप गहराई से सोचे तो उसमें बड़ी गहरी बात है, क्योंकि जिंदगी जो है, मेरी अपनी चार पंक्तियां मुझे अचानक याद आ गई जी, जो मैंने कहीं पढ़ी थी कि लोकल ट्रेन की भीड़ में गिरा तो हाथ पकड़कर उठाया, राशन की लाइन में भन्नाया तो कंधे पे थपथपाया, हर जगह दबी सहमी कुचली सी वो मौन है, मैं जिंदगी से ही पूछ रहा हूँ वो मेरी कौन है। गाइए तो जिंदगी से बात की जाए, जिंदगी से बात करना बड़ा जरूरी है, अपने लिए फुर्सत निकालिए, जिंदगी से फुर्सत निकालिए, अपने से बात कीजिए, जिंदगी से बात कीजिए, और जब जिंदगी से बात करेंगे तो बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। जीवन में निराश मत होइए, डीमोटिवेट मत होइए, हर व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ जरूर लिखा है ऊपर वाले ने, और चिंता मत कीजिए, वो जो ऊपर बैठा है ना सबसे बड़ा कलाकार है, उसने आपके लिए वो सब कुछ लिखा है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक वो है तब तक भरपूर विश्वास अपने आप में रखिए, और अपने आप से रोज कहते रहिए कि मैं हूं तो कर दिखाऊंगा। वाह भाई वाह।